किसी ने बाई जब निकलते थे इनकार के वक्त तो कोई आके पकड़ के बोल देता था, था आप कितने अच्छे बाप बने हुए कुछ ऐसा जज्बाती कोई इमोशनल सीन हुआ जो शेयर कर सकते हैं आप मुझे मैसेजेस काफ़ी आए इमोशनल uh, uh, के डीएमल you know, you know, okay. you know, फिर वही एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी फादर ऑफ टेलीविजन मैंने कहा मेरे को यार ये तो अच्छा है दिस इज नाइस मैंने कहा चलो ठीक है हां सो आई एंजॉयड दैट यू नो माय फैमिली एंजॉयड दैट बिकॉज़ यू नो बिकॉज़ आई एम नॉट अ फादर इन रियल लाइफ बट यू नो बट दैट वाज सो इट वाज ग्रेट यू नो इट्स ग्रेट टू चैनल दैट बट बहुत लोगों के मैसेजेस बहुत लोगों के अच्छा आपने बहुत जब आप लंदन चले गए एजुकेशन के लिए तो वहां पे जाके आपने एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट कर लिया और थिएटर करना अच्छा ये कर भी एक uh, uh, मैं गया नहीं था मतलब I, fact, there, here, and, uh, मैं वाज़ देयर एंड एंड केम हियर देन अगेन आई वेंट बैक मैंने एक्टर पहले बना था। लंडन आइडिया करते -करते तो ये जानना चाहती हूँ किया

अर्ली एटीज तक तो लोग जाते थे सिनेमा में ना उसके थी थी तो, वो दिन, तो वो खुदी खुदी you know, मतलब वो देन तो, 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 तो काम काम था कि यार खुद ही लिखे खुद ही डायरेक्ट करें सब कहते थे डॉक्टर इंजीनियर कोई जाता नहीं था इस फील्ड में मर्दों के लिए तो बॉयज के लिए तो इट वॉज अ नो गो कुछ बन जाओ कमाओ कुछ और फिर आप चलो इस तरफ तो वो इंग्लैंड जब चला गया स्कूल में तो वहाँ जाके मैंने देखा कि अच्छा ये ड्रामा भी एक सब्जेक्ट है और ये मैंने कहा था चलो अगर well could... नहीं अच्छा उनको नहीं पता था और लेवल अच्छा मे, मेरी कजन जो है उनकी उसको उर्दू नहीं आती थी उसकी शादी हो रही थी पाकिस्तान में तो उर्दू की क्लासेस उसने ज्वाइन की अच्छा एंड आई वॉज एजर तो उसने मुझे कहा कि वो उर्दू क्लासेस में यू नो you know, uh, तुम भी चलो तो यू you नो know, अब उस वक्त जब आप टीन एज में होते हैं वो उसने कहा बहुत लड़कियाँ है होती हैं उन्होंने चले सो वो, वो टीचर जो थी हमारी यू नो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी है तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है तुम तो मेरी हेल्प कर दिया करो <laughs> तो आपने मैं उर्दू सीखना थोड़ी मैं तो उसने अगर मेरी हेल्प कर दो तो मैं जो? तो मैं हेल्प क्या करता था मैंने उस वक्त शायरी करना शुरू की थी तो मैं शायरी उनके साथ शेयर करता था या कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता था उनको मुझे लिखने का बहुत शौक था okay. मेरा फ़र्स्ट uh, जो वो था कि एज अ राइटर यू नो आई वॉन्ट तो उन्होंने कहा कि तुम साल का एंड आ रहा है तो तुम प्ले लिखो सबके लिए तुम लिखते भी हो अच्छा लिख लेते हो तो प्ले लिखो ओके okay. और इसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो जिसमें पाँच साल की उम्र से लेके कर पचपन साल की उम्र तक के लोग उर्दू सीख रहे हैं उनमें से जो कुछ so लोग हैं तो ये ये सारी लंदन में रहते थे लंदन में एक एशियन सेंटर था वहाँ पे तो ये वो लोग उर्दू सीख रहे थे और जी, आप जी जी okay. और फिर उनकी एक और क्लास थी उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स आ गए देन आई वाज पुट इन द फर्स्ट टाइम यू नो मुझे एक अपॉर्चुनिटी कि मैं लिखूं hmm. उसे मैंने अपने आप को विकास किया ठीक <laughs> है ब्रेक दी अपने आप को मेन रोल मेन रोल आपने का ओके एंड uh, अपने फिर आपने अब मैं पूछूं सबसे खूबसूरत लड़की को आपने अपने साथ हीरोइन ही नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं उसमें उस हम लोग खैर चंद ही लोग थे और फिर हुँँ. मेरे क्लास में केमिस्ट्री इनफैक्ट उस बच उस बंदे द फ्रेंड ऑफ माइंड ही जस्ट पास्ट अवे लास्ट वीक ड्यू टू कोविड एंड उसको मैंने कन्विंस किया वो मेरी केमिस्ट्री क्लास में था तुझे उर्दू आती यार यू नो तो मेरे प्रेम में रोल कर ले क्योंकि उर्दू बोलने वाले नहीं मिलते थे तो so, इस तरह से खींच खाँच के उसको ले आया फिर इस तरह से ना एक okay. ग्रुप सा बन गया okay. अच्छा हमने तो परफॉर्म किया कि अच्छा चलो ख़त्म यू नो किसी ने ऑडियंस में देखा शी वॉज हेड ऑफ़ द काउंसिल और समथिंग जो वहाँ की लोकल काउंसिल थी mm -hmm. उनका मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ तो आप ये फला फेस्टिवल में करें एंड वील पे यू फॉर डैट हम लोग तो huh. मतलब अट्ठारह उन्नीस साल की उम्र yeah. मतलब यू नो पॉकेट मनी पे जी रहे थे तो सो है पैसे भी मिले तो वो फिर वो शुरू हो गया फिर किसी और ने वहाँ देखा उनका कहा फला फेस्टिवल में करें तो हमने एक ग्रुप बना लिया नौजवान आर्ट्स ग्रुप तो वहाँ से शुरुआत हुई अच्छा बाकी लोग सेंसिबल थे सब साइंसेस पढ़ रहे थे कोई कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा था सब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी मैंने कहा नहीं मैंने तो यही करना है देन आई स्टडी ड्रामा फॉर थ्री इयर्स आई डिड अ डिग्री इन ड्रामा Okay. तो मैं तो फिर बिल्कुल ही मेरा इट चेंज माईपेक्ट यू नो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई शायद मुझे hmm. यही करना था हमेशा से hmm. लेकिन मुझे रास्ता नज़र नहीं आता मैं वहाँ तक जाऊँ कैसे एंड देन सडनली यू नो यूनिवर्सिटी स्टडी ड्रामा जरा बी फॉर थ्री इयर्स मोस्टली वहाँ पर मिडिल क्लास इंग्लिश स्टूडेंट्स थे हर साल एक पाकिस्तानी या इंडियन वो होता था सौ स्टूडेंट्स में से तो अपने ईयर में मैं वो <मैं> था <laughs>

जो मेरे साथ हैं कोई बचपन से शेक्सपियर देख रहा है कोई पियानो बजा रहा है बचपन से ये okay. तो सारे बड़े मतलब दे एक्सपोज्ड तो यू नो इन सेंस मेरे लिए मुझे लगा कि मुझे तो कुछ uh -huh. नहीं आता है यू you नो know? uh -huh. लेकिन द थिंग था एक अंदर मेरे पैशन बहुत ज़्यादा था uh -huh. और आप सोच सकती हैं कि हम लोगों ने यूथ सेंटर्स में परफॉर्म किया क्लब्स में परफॉर्म किया थिएटर में भी किया और मतलब आ, हर किस्म की वेन्यू रख तंदूरी रेस्टोरेंट में भी परफॉर्म किया जहाँ में जगह मिलती थी हम परफॉर्म एंड okay. uh, फिर हमने ए, उस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा रोल्स तीन चार लोग हमारे पैसे ही नहीं होते थे तो हम कहते कि यार ऐसी कहानी हो जिसमें आप चार कैरेक्टर तुम करो चार मैं करो तीन मैं करूँ wow. तो इस तरह सेम वेरी यूज टू खाइड वेरियस कांड ओके okay. अच्छा वो बाकी सारे जो थे वो पार्ट टाइमर्स थे मैं एक पागल था जो कि सीरियस उधर भी ये भी कर मैं एक तरफ वो कर रहा था अपनी स्टडी और साथ में ये एंड सो uh, so, अब मैं अगर मुड़ के देखता हूँ उसमें कंटेंट भी मतलब हमारा एच भी हो जाता था कई दफ़ा यू नो और uh, उस वक्त सोचा नहीं जो जो होती थी लिखता मैं था ज़्यादातर यू नो और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज भी होती थी लेकिन मैंने जब फाइनल ईयर किया तो मैंने अपने ट्यूटर्स को कहा कि यू नो मैं राइटिंग एंड एक्टिंग बाई ये फाइनल में आपको ये डिसाइड करना होता है तो मैंने कहा मैं दोनों करना चाहता हूँ okay. हायर मार्क इन राइटिंग देन एक्टिंग यू नो अगर उसमें okay. बी था तो एक्टिंग में बी प्लस था उसमें ए था उसमें ज़्यादा नंबर मिला